आकृति 12.2 6, ये देखिए, ये एक दौड़ने का पथ है जिसको इंग्लिश में रेसिंग ट्रैक बोलते हैं। यहाँ से दौड़ते हुए आप ऐसे करके इसमें दौड़ते रहिए, चक्कर लगाइए, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये देखिए, आप उधर से देखिए चाहे इधर से भी, एक बाएं होगा और दूसरा दाएं होगा। ये यहाँ ये अर्धवृत्ताकार है और ये भी अर्धवृत्ताकार है। नीचे क्या बता रहा है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये रेखाखंड दोनों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। मतलब ये रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 106 मीटर है। यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। ये जो पथ है, दोनों के बीच की दूरी कितना चौड़ाई है, 10 मीटर है। तो पूछ रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। सबसे पहले चित्र को हम समझते हैं, आपके लिए चित्र तैयार है, ध्यान दीजिएगा। चित्र हमने बना लिया है। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया कि ये दोनों, ये जो है ये सिरा, ये अर्धवृत्ताकार है अर्धवृत्ताकार, और ये भी है अर्धवृत्ताकार। चित्र थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा, अर्धवृत्ताकार। और बोल रहा है कि दोनों के आंतरिक सिरों के बीच की दूरी 60 मीटर, आंतरिक का 60 मीटर दिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना, 106 मीटर है, 106 मीटर यहाँ से यहाँ। तो आंतरिक ये बाहरी क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा, तो बराबर ही होगा। तो ये भी 106, ये भी, अब ये यहाँ से यहाँ तक 106 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 106 होगा मीटर। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60। अब पथ की चौड़ाई 10 मीटर, तो इधर से 10 है तो इधर से भी 10 होगा। ठीक है, इधर से भी 10 होगा, इधर से भी 10 होगा, और ये बीच वाला 60 है तो ये भी 60 होगा। अब आपको सवाल समझना है। सबसे पहले हम इसका नामांकन कर देते हैं तो समझ में आपको अच्छी तरीक़ा से आएगी। ठीक है, ये बाहर वाला है तो बाहर वाला का नाम हम कर देते हैं ए, इसका बी, ठीक है, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, उसके बाद इसका नाम एफ, इसका नाम जी, इसका नाम एच। चलिए नाम रख दिए। एक नंबर में बोल रहा है परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप, क्योंकि बोला जा रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर, तो पूरा चक्कर इसी से लगाएगा और जितना बड़ा बना हुआ है ये इसका परिमाप ही होगा। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, ये बीच यहाँ चारों तरफ का दूरी, मतलब ये एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्त जो है, दोनों अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे। और उसके बाद अर्धवृत्त का परिधि के बाद ये देखिए, ये जो है ये है आयताकार, मतलब ये 106 जुड़ जाएगा और ये 106, ये दोनों जुड़ेगा, उसके बाद इसकी परिधि जुड़ेगी। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा तय की गई दूरी। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन है, एक नंबर रोमन में लिखा गया है, एक नंबर चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो कुल दूरी बराबर देखिए, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, दोनों मिला करके एक वृत्त बन जाएगा, दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि। फिर आंसर नहीं मिलेगा, समझिएगा, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र लगाइएगा, नहीं मिलेगा, अर्धवृत्त की परिधि। अब ये हो गया प्लस, यहाँ तक का तो निकाल लेंगे, यहाँ तक का भी आ गया, 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक, मतलब जी एच प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये बीच वाला, तो इसको ए बी कहिए या सी डी कहिए, दोनों अंदर वाला या बाहर वाला बराबर ही हुआ, तो ए बी कर देते हैं। ए बी की दूरी क्या, परिधि आ जाएगा। अब समझिए, 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस डी होता है, पाई आर प्लस डी होता है। लेकिन हमें जो है इसका व्यास नहीं लेना है, हमें निकालना है सिर्फ ये भाग, इतना दूरी निकालना है, ये नहीं लेना है। तो मतलब डी नहीं लेना है, सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ पाई आर लेना है। और अर्धवृत्त की, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, कुछ नहीं, इसमें 2 से भाग देंगे। यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर/2 बिल्कुल गलत है, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर प्लस डी। लेकिन हमें सवाल में क्या बोला जा रहा है, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमें तो व्यास नहीं लेना है, इसीलिए हम ये डी नहीं रखे, ये सूत्र लगाए, हमें सिर्फ यही आएगा। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कट गया, प्लस जी एच 106 है, 106 मीटर, और ए बी भी 106 मीटर है। अब 2 गुना पाई का मान 22/7, आर कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना, 60 मीटर है, तो ये व्यास हुआ 60 का आधा, त्रिज्या बराबर व्यास/2, मतलब 60/2 बराबर 30 मीटर, तो 30 आएगा, 30 प्लस 106 212 मीटर, ये 30 मीटर, 22 गुना 44, 44 3 4 12 13 1320 / 7 प्लस 212। ठीक है, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अब आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका हम बट्टा में 1 रखते हैं और इसका हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, 7 1 का लघुत्तम मिलेंगे, तो 7 आएगा तो 1320 प्लस 1 7 7, तो 212 7, तो 12 7 84 या 2 7 14 1484। अब जोड़ देते हैं तो 4 0 4 8 2 10 बाकी 1
5 3 8 1 1 2 28 604/7 ये पूरे को मीटर, और ये भी पूरे हो जाएगा मीटर, 28 104/7 मीटर। ये हमारा पहला आंसर आया है, 28 104/7 मीटर। कैसे किए? पहले हमने इस अर्धवृत्त की परिधि और इस अर्धवृत्त की परिधि, तो दो गुना अर्धवृत्त की परिधि, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सूत्र नहीं लगाना है, बस वृत्त की परिधि बटे टू वाला लगाना है, या सिर्फ पाई आर, क्योंकि हमें ये व्यास भी नहीं लेना है, यहीं दौड़ेगा कोई, बीच में भी घूम कैसे दौड़ेगा, ऐसे करके दौड़ के वापस चला जाएगा। तो ये पाई आर, उसके बाद इसकी लंबाई, इसकी लंबाई जोड़े, हमारा कितना आया 28 104/7 मीटर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है वो समझते हैं, यहाँ तक ढक देते हैं ताकि आपको दूसरा सवाल समझ में आए। दूसरा सवाल जो है बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, तो पथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये बीच अंदर में जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह हुआ, ये जगह हुआ, इसी का क्षेत्रफल, कुछ नहीं है, आसान है, बस ये सवाल थोड़ा सा बड़ा कर दिया। पथ का क्षेत्रफल ए बराबर, सबसे पहले ये बाहर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ये अंदर वाला क्षेत्रफल निकाल करके बाहर वालों में से घटा देंगे, ऐसे हो सकता है, तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन इसका ये तो आयत हो गया, देखिए यहाँ से ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये 10, ये 10, ये 106, ये 106, एक आयत इधर हुआ, दूसरा देखिए ये 106, ये भी 106, लंबाई, ये चौड़ाई 10 10, तो दो गुना आयत का क्षेत्रफल तो यहाँ से यहाँ का, यहाँ का आ जाएगा। अब इतना दूरी बचा, इतना दूरी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अर्धवृत्त, ये जो डी, ये जो एच है, मतलब बाहर वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये अंदर वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे, और दो से गुना करेंगे तो दोनों तरफ का आ जाएगा। तो लिख देते हैं, दो गुना बाहर वाले को बड़े, दो गुना बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस दो गुना छोटे अर्धवृत्त, छोट का भी आधा गया, इधर आधा गया, तो दो गुना हो गया, दो गुना छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकालने के बाद जो आएगा उसमें बचेगा, उसमें जोड़ेंगे, प्लस आयत, आयत ई एफ जी एच, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस आयत, ये देखिए एक आयत है ए बी सी डी, तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल बराबर दो अगुना बड़े अर्धवृत्त, ये बड़ा अर्धवृत्त है, तो इस बड़ा का त्रिज्या क्या हो, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, समझिए। तो ये 30 जो है किसका त्रिज्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये छोटका का त्रिज्या है 30, अब बड़का का हम बड़े आर मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 60 हुआ, ये 10 जोड़ेंगे 70, और ये 10 जोड़ेंगे 80, दोनों तरफ से 10 10 जोड़ेगा, तो क्या होगा 80/2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो बड़का का व्यास हो गया, आधा करेंगे, आधा करेंगे वही ना त्रिज्या होगा, तो ये हो गया 40 मीटर बड़का का त्रिज्या। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, अब बड़का का निकाल रहे हैं तो बड़ी आर स्क्वायर बट्टा टू माइनस टू, अगुना छोटका का निकाल रहे हैं तो पाई अगुना छोटी आर स्क्वायर बट्टा टू, प्लस आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई 106 मीटर अगुना चौड़ाई 10 मीटर, प्लस ए बी सी डी का क्षेत्रफल लंबाई 106 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। अब देखिए दो दो गया, दो और दो कट गया, दोनों में पाई कॉमन आ गया, तो पाई कॉमन लिए, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 106 गुना 10 हो जाएगा 1060 मीटर स्क्वायर, और फिर इसे भी करेंगे तो 1060 मीटर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 पाई का मान 22/7, अब बड़ी आर कितना 40 है, 40 मीटर का स्क्वायर माइनस छोटी आर 30 है, तो 30 मीटर का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, प्लस 1060 को अगर जोड़ेंगे तो 10 10 20 160 160 120, तो 2120 मीटर स्क्वायर, तो बराबर 22/7, 40 का हो जाएगा 1600 और 30 का हो जाएगा 900, अब प्लस 2120। अब देखिए 22/7, 16 में से 9 घटेगा तो 700, अब प्लस 2120, तो ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, 7 से काटिए 112 में 100 गुना 22 तो हो जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर, प्लस 2120 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 22 20 40 43 4320 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर ये दूसरा का आंसर आया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए
पहला का तो मिला था, दूसरा का 4320 मीटर स्क्वायर आ गया, और इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, समझ में नहीं आया तो दूसरी बार आप देखिए। सबसे पहले क्या किए, ये बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से छोटका घटा दिए, क्योंकि बाहर वाला एरिया ये जो है इसका घटा दिए, तो हमारा सिर्फ ये आया रास्ता का। इधर भी वही किए तो दो से गुना किए, क्योंकि दोनों तरफ बराबर था। इस आयत का क्षेत्रफल निकाले, इस आयत का निकाल करके जोड़ दिए, तो ये और ये को जोड़े तो पूरे का क्षेत्रफल आ गया। इस वीडियो में हमने आपको बताया है टोटल 8 तक सवाल। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल।